जैसा कि आप जानते हैं, कोटा में करीब 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग सेंटर में, खास तौर से इंजीनियरिंग और मेडिसिन के लिए। 2 लाख छात्रों में से करीब 25% राजस्थान के हैं। मेरे पापा की कंडीशन नहीं है कि वे मुझे ज़्यादा पढ़ा सके, तो और इस अनुव्रत योजना से हमें लाभ तो हुआ है बहुत कुछ, लेकिन है ना, मतलब मैं आपसे ऐसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर सकती, पर थोड़ा बहुत नहीं कर सकती, करो जो करना है, क्योंकि आप बड़े हो ना। नहीं, जो भी पूछना है आप अगर क्वेश्चन करती हो मुझे उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा पूछा जो मुझे मालूम नहीं है तो फिर मैं पता लगा के अपनी नॉलेज बढ़ा देता हूँ। मैं अब हज़ारों बच्चों से मिला हूँ, मगर जब मैं ये सवाल पूछता हूँ मुझे बस 4-5 जवाब मिलते हैं। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, आर्मी, IAS और जज या टीचर या लॉयर। तो ये छठा जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, या सातवां जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब करने की तो बहुत चीज़ें हैं, तो सारे के सारे बच्चे बस यही 5 चीज़ें, यही 6 चीज़ें क्यों चाहते हैं? अच्छा, अगर आप लोगों को चॉइस दी गई कि जो आप करना चाहते हो, मतलब कोई भी चॉइस, कोई भी कुछ भी कर सकते हो, तो आप क्या करते हैं? सर, मैं फिर भी डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ। अच्छा, अगर आपको ये चॉइस दे दी होती कि भाई आपको हम स्पेस में भेजेंगे, तब भी आप डॉक्टर बनती? यस सर। तब भी? हाँ। राहुल जी, मैं 16 साल का था और मेरे पिताजी ने कहा तुमको IIT देना है। यस सर। और मैंने IIT का एग्जाम दिया, तो आप खुश नसीब हैं कि आपके माता पिता ने आपको जो करना चाहा आप किए। नहीं नहीं, मेरे माता पिता ने कहा, मेरे माता पिता ने, नहीं, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तुम सब चीज को देखो और फिर उसके बाद में निर्णय लो। मेरा कहना है कि अब तो आपने चॉइस कर ली है और आप अब डॉक्टर बनोगे और इंजीनियर बनोगे, बट लाइफ में बहुत सारी और भी चॉइसेस होती हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आप डॉक्टर बन गए और आपको पता लगा मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सर 12th तक मेहनत की थी सर, मेरा सर 12th के साथ निकल जाए, लेकिन नहीं निकला था कि सर कि रह गया, सब दोस्तों को सिलेक्शन हो गया था, किसी को IIT पटना में मिल गया था साथ पढ़ने वाले को, किसी को कोटा में ही मिल गया था। तो एडुकेशन में टेक्नोलॉजी का सही समावेश में हमें बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम हर बच्चे की वीकनेस को आइडेंटिफाई करके कस्टमाइजेशन ऑफ एडुकेशन की तरफ जा सकें। हमारा सिस्टम बेसिकली सिलेक्शन का है, और किस चीज़ के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, ये मेमोरी के लिए। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है, जो सुन लेता है बात, जो अजीब सवाल नहीं पूछता, जो कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं कहता, उसको वो सिलेक्ट कर देते हैं। जो बेचारा क्लास के पीछे बैठा होता है, वो कॉन्ट्रोवर्शियल बात करता है, वो दुनिया को दूसरे तरीके से देखते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये सिस्टम है। क्या करूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। रिलैक्स करो, कुछ नहीं होता है। आपको ऐसे लगना चाहिए कि आप घर में बैठे हो फैमिली के साथ। सर, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आप पूछ रहे थे कि बच्चे कम करियर ऑप्शन क्यों चुनते हैं। हाँ। क्योंकि कई माता पिता और बच्चों को स्वयं पता नहीं होता कि उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। बिहार जैसे, वहाँ पर ज्यादातर लोगों को IAS इन्हीं के बारे में पता है, और राजस्थान में भी कई लोगों को पता नहीं रहता और बच्चों को भी पता नहीं रहता। तो आप सर 10th के बाद स्कूलों में कुछ करवाएं ताकि बच्चों और उनके माता पिता को पता चले कि क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं अदर। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोले आप। शुक्रिया भी। जब हम छोटे थे, हम ट्रैकिंग पे जाते थे। दिल्ली के पास हिमालय आए तो कभी हम उत्तराखंड चले जाते थे, कभी हिमाचल चले जाते थे, वहाँ पे हम ट्रैकिंग करते थे। तो कभी कभी हम क्या करते थे, जब हमारे दोस्त जाके रेस्ट करते थे, जब उनको मालूम नहीं होता था, हम उनके बैग में पत्थर डाल देते थे, मतलब 1-2 किलो के पत्थर डाल देते थे। फिर वो चलते थे और बिल्कुल थक जाते थे, उनको पता नहीं लगा, वो सोचते नहीं थे कि मेरे बैग में कुछ है। एक प्रकार से उनके लिए ट्रैकिंग ज़्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि हमने उनके बैग में पत्थर डाल दिया होता था, उनको पता भी नहीं लगता था कि ट्रैकिंग उनके लिए मुश्किल है। अंत में जब हम पहुँचते थे, वो कभी कभी खोलते थे, पर बड़ा गुस्सा होता था। आप यहाँ जो पहुँचे हो, आप फेयर कॉम्पिटिशन में नहीं पहुँचे हो, आपका रास्ता ज़्यादा मुश्किल रास्ता है। और ये छुपी हुई चीज़ है, दिखती नहीं है, जैसे वो पत्थर छुपे होते हैं, पता ही नहीं लगता। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपका जो रास्ता है वो और मुश्किल रास्ता है, और आप इस रास्ते से निकल के आए हो, ये बहुत बड़ी बात है। और कभी आप लक्ष्य पा नहीं पाओ, तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मुझ में कमी है। जैसे आपने बोला मेरे भाई IIT चले गए, वो आप में कोई कमी नहीं है, वो सिस्टम में कमी है, आपकी गलती नहीं है। तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि भाई मुझ में कमी है, मैं नहीं कर पाया, वो कर पाया ना।
हूँ।